अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको डो बनाना सिखा रहे हैं और एक डो से बहुत सारी रेसिपीज रेडी होंगी। तो एक डो है जिसका मेथड आपको सिखा रही हूँ, बहुत इजी है। इससे आप बन, ब्रेड और नान सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। डो के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, देखिए फ्लोर लिया है मैंने, ये 2 कप फ्लोर है, ठीक है। और ईस्ट लिया है मैंने, और बहुत सिंपल मैं आपको डो बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून ईस्ट लिया है, साथ साथ ऐड भी करते जाएंगे। 1 टेबल स्पून देखिए हमने शुगर ली है, ठीक है, नॉर्मल शुगर है, ये हमने ऐड कर दी। 1 टेबल स्पून और 1/2 टीस्पून ये हमने इसमें ऑयल लिया है। सॉल्ट है 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 एग है देखिए हमारे पास, ये हम ऐड करेंगे इसमें। सब कुछ हमने डाल दिया है, बहुत इजी मेथड से मैं आपको सिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये क्या है, ये है हमारे पास ब्रेड इम्प्रूवर, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। ब्रेड बन हर चीज़ में डालते हैं, ये हम लेंगे 5 जी। तो देखिए ये 5 ग्राम है हमारे पास ब्रेड इम्प्रूवर, ये हम ऐड कर देंगे। और पानी जो है हमारे पास 3/4 कप है, और मिल्क है हमारे पास 1/2 कप, ठीक है। अब सबसे पहले हम पानी भी इसमें ऐड कर देंगे, और फिर हम मिल्क ऐड कर देंगे, और फिर हम पानी से देखेंगे कि कितनी पानी की हमें ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना होता, पहले सिर्फ मिक्सिंग कर रही हूँ अभी मैं इसको, स्पून से या स्पैचुला से किसी भी चीज़ से कर दीजिए। बात लोग ईस्ट को पहले नीम, अच्छा पानी जो है नीम गर्म है, ठीक है। बात लोग ईस्ट को क्या करते हैं, पहले उसे पानी में डिप करके रख लेते हैं कि वो राइस हो जाए, फिर उसको ऐड करते हैं। मैं सब कुछ आपको डायरेक्ट ही करना सिखा रही हूँ। देखिए अब हो गया, अब हम इसे पानी ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए अब हम कर रहे हैं हाथों का इस्तेमाल, क्योंकि डो असल जो बनता है वो हाथों से सही बनता है। हमें आइडिया भी होता है कि हमें कितना पानी ऐड करना है, और डो अब जो है हमारा रेडी है या नहीं, ठीक है। नीम गर्म पानी आपको मैं दोबारा बता रही हूँ, ताकि ईज जो है वो अपना वर्क कर सके। सिर्फ मिक्सिंग होती है इसमें, ज़्यादा इसको नहीं गूंदना होता, और बहुत हमने इसे हार्ड भी नहीं रखना, सॉफ्ट सा एक डो बनाना है, ठीक है। देखिए पानी की जो मिकदार है 3/4 कप, वो बिल्कुल बेस्ट है इसमें, इसी से ही ये पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे स्लो स्लो पानी ऐड कीजिएगा, ताकि आपका डो बिल्कुल परफेक्ट बने। बस क्या है कि इस तरह के डो में जो है मोल्ड भी ख़राब होता है और हाथ भी, लेकिन ये है कि बहुत फिनिशिंग से काम हो ही नहीं सकता अगर आपको एक अच्छा डो बनाना है, ठीक है। बस ये देखिए इस तरीके से हमने इसे पतला रखना है, थोड़ा सा और पानी बस मैं ऐड करूँगी। तो इसी तरीके से, जो कि एक आसान ज़ुबान में कहते हैं चिपचिपा सा डो, ये हमारा रेडी है, ठीक है। इस सारी में पूरा डो आपको सामने यूं ही आपके गूंदा है, कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने डो कैसे रखना है। सेम ऐसे ही पिज़्ज़ा का होता है, ब्रेड का, बन का, इसी डो से आप सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। हद तक कि आप डोनट भी रेडी कर सकते हैं, उसमें बस ये होता है चीनी की क्वांटिटी ज़रा सी ज़्यादा होती है। ये देखिए हमने इतना पतला रेडी करना है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि फ्लोर कैसा है हमारा, उसके हिसाब से हमारा पानी यूज़ होता है, कि कितना हमने उसमें पानी ऐड करना है। बस इतना पतला हमने इसको रखना है। अब हल्का हाथ वॉश करके हल्का सा इसको जो है हाथ लगाएंगे इसी नीम गर्म पानी से, और बस इसको रख दे देंगे, ठीक है। तो हमारा ये डो रेडी है जी। तो देखिए इस तरीके से हल्का सा हम हाथ में नीम गर्म पानी लेंगे, इसके ऊपर ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। इस जगह पे आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे क्या है रैप करके रखेंगे, तो हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं, ऑयल इसमें पहले ही है, ठीक है। रैप करके लाजमी रखना है, ताकि जैसे कहते हैं कि जैसे आटे को छोड़ देते हैं तो ऊपर से उसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रैप करके हम इसको रखेंगे जब तक कि राइस नहीं होता, 2 से 3 घंटे लगे, हम मौसम के ऊपर है, अब किस जगह रखा है ये बात है, ठीक है। और फिर हम इसको यूज़ करेंगे जी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना बेहतरीन हमारा परफेक्ट डो रेडी हो गया है, ये राइस हो चुका है बिल्कुल। अगर आपका ये डो बनाना आपको आ गया, तो समझ लें हर चीज़ आपको बहुत इजी बनानी आ जाएगी। ये सब कुछ इसी डो से बना हुआ है, देखें बन है, नान है, शिरमाल है, हद तक शिरमाल में एक बस शुगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, असल डो जो है लेकिन यही होता है। ये इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसी डो से आप बना सकती हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको मैं इसी डो से नान बनाना सिखाऊंगी, और फीडबैक बस अपना ज़रूर दीजिएगा, आपको डो कैसा लगा, और डो बनाना आ गया तो समझ ले सब कुछ आ गया।
तो इसी इसी से आप पिज़्ज़ा भी बना सकती हैं, नान भी बना सकती हैं, बन भी बना सकती हैं। बहुत सारी न्यू वैरायटीज़ आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह, न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ। फिर मिलते रहेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।